एक तो ये जो शहरों में आदत पड़ गई है लोगों को कबूतर को खाना खिलाने की, कबूतर को लोग बाजरा खरीद खरीद कर डालते हैं, क्योंकि हमारे जो ज्योतिष हैं और पंडित हैं वो कोई ना कोई उपाय ऐसा बता देते हैं कि कबूतरों को खाना खिलाना पड़ता है। मैं समझता हूँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि ये जो कबूतर है जिसको हम ब्लू रॉक पिजन बोलते हैं, ये जो ब्लू रॉक पिजन है ये एक नेचुरल स्कैवेंजर है। ये मच्छर मक्खी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उनके ऊपर ये जीता है। अगर आप ब्लू रॉक पिजन को बाजरा ही खिलाते रहेंगे तो उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जब उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो जो हमारी जो बाकी शहरों के जो पक्षी हैं, जैसे स्पेशली जैसे आपका मैना है या आपकी जो स्पैरो होती है, उसकी तादाद जो है उसकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी, एंड ब्लू रॉक पिजन की जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, और अब हो भी रहा है, आप देख भी सकते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, ब्लू रॉक पिजन की पॉपुलेशन अगर एक्सप्लोजन होगी जो हो रही है, उससे एक बहुत बड़ी विपदा एक डेंजर पैदा हो रहा है। उसकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं ना, जो उसका एक्सक्रीटा होता है, जो एक कबूतर की पॉटी होती है, वो हाईली एसिडिक होता है। उसके अंदर जो पदार्थ होते हैं उससे अस्थमा होता है। सो अगर घर में लोगों को ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल अस्थमा हो रहा है, तो ज़रा ध्यान से देखें कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बैल्कनीज़ में या टेरेसेस में या बाहर जो हैं कबूतर का आना जाना ज़्यादा है, तो उसकी जहाँ भी ड्रॉपिंग्स होंगी और वो हवा से जो है फिर उसके ऊपर जब वो ड्राई होती हैं ड्रॉपिंग, फिर उसके ऊपर जो हवा चलती है वो हम जब ब्रीद इन करते हैं तो बीमारियाँ फैलती हैं। कबूतर का जो नेचुरल हैबिटेट है वो स्टोन फेसिंग है या क्लिफ्स हैं या वो बिल्डिंग्स में भी बनाता है, लेकिन हम ना उसकी पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो हर चीज़ एक बैलेंस में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कबूतरों को फीड मत कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही लगता है कि कबूतरों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप वाटर बाउल्स रखें, उनके लिए पानी रख लीजिए, क्योंकि पानी की शहरों में कमी रहती है, तो अगर वो आते हैं तो पानी पीकर चले जाएंगे, लेकिन उनके लिए प्लीज़ खाना मत रखिए। ये शहर की सेहत के लिए, आपकी सेहत के लिए, एंड कबूतरों के लिए भी, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी, और उनके होने ना होने के लिए, उनकी स्पीसीज के लिए भी ये चीज़ हेल्दी नहीं है। इसलिए प्लीज़ आप कबूतरों को खाना मत।